हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जयश्री टेलीकॉम। कैसे हैं फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ईपीबीएस सिस्टम के बारे में थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स देने वाले हैं। ईपीबीएस की कंपनी का नाम है मैट्रिक्स ईपीबीएक्स, जो कि काफ़ी सुना हुआ नाम है ईपीबीएक्स इंडस्ट्री में। वैसे तो काफ़ी सारी कंपनी के ईपीबीएक्स आते हैं, मैट्रिक्स है, पेनासोनिक, सिंटेल, ऑप्टिमा, कॉपर कनेक्शन, पेनासोनिक, सीमेंस, टाटा अवाया, ऐसे काफ़ी सारे ईपीबीएक्स मार्केट्स में अवेलेबल है। तो दोस्तों, यह है ईपीबीएस का मेन यूनिट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेन यूनिट है, ठीक है। और ये उसका है डीसी एडेप्टर है 24 वोल्ट 2 एम्पियर का, और ये इसकी डीसी पिन है सिंपली। तो दोस्तों, ये इसका ईपीबीएस का एक बेनिफिट ये है कि इसमें पावर सप्लाई एडिशनल है, ये एडेप्टर है। तो कभी भी हमारा ईपीबीएस शट डाउन होता है तो हमें सिर्फ ये पावर सप्लाई ही रिप्लेस करना होता है, यानी कि इजी टू मेंटेन ये सिस्टम। तो दोस्तों, ये है मैट्रिक्स का इटर्निटी 416 ईपीबीएक्स। तो ये थोड़ी इसकी टेक्निकल जानकारी मैं आपको देता हूँ फ्रेंड्स। एक्चुअली मेटल बॉडी आता है इसका कैबिनेट। अभी जो काफ़ी सारे नए मॉडल्स हैं उसमें फाइबर बॉडी भी आ गया है प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये इसका डीसी सॉकेट है, जो एडेप्टर आपको दिखा है उसका इनपुट यहाँ पे लगता है। दिस इज अ मेन इनपुट सॉकेट। और ये है CO1 से लेकर CO1 2, CO3 और CO4, ये टेलीफोन एंड कनेक्टिविटी सॉकेट्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सारे RJ45 केबल से लगते हैं, यानी कि ये ईपीबीएस लगाने के लिए हमें डीपी बॉक्स बनाना पड़ता है। डायरेक्ट जो फीड से केबल आते हैं वो इसमें कनेक्ट नहीं होते। ये चारों सॉकेट जो टेलीफोन लाइन के लिए है, इसमें आप लैंडलाइन डायरेक्ट लगा सकते हैं और इसमें आप सिम कार्ड बेस्ड राउटर भी लगा सकते हैं। तो इसमें चार टेलीफोन लाइन का कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 16 आउटपुट पोर्ट्स है। देखिए यहाँ ये पोर्ट नंबर 1 SLT1 से लेकर SLT16 तक, देयर इज 16 आउटपुट पोर्ट्स। दोस्तों, ये यहाँ पे सिंगल लाइन बोलते हैं, जो SLT सिंगल लाइन आउटपुट पोर्ट्स ये इसमें सब दिए हुए हैं। देखिए SLT1 से लेकर 2, 3 से लेकर ऐसा सिक्वेंस में आ रहे हैं फ्रेंड्स, 16 तक है इसमें अवेलेबल। यानी ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ 416, चार टेलीफोन लाइन का कनेक्टिविटी और 16 इंटरकॉम। और दोस्तों, यहाँ पे एक इथरनेट केबल का भी कनेक्टर रहता है RJ45, जो कि आपका सिस्टम लैन केबल में कनेक्ट हो जाएगा ये सॉकेट थ्रू। ये तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है इथरनेट सॉकेट। इथरनेट सॉकेट रहता है जो आपका ईपीबीएस को आपके जो नेटवर्किंग होती है आपकी ऑफिस या तो आपके अपार्टमेंट में नेटवर्किंग जो केबलिंग होता है उसमें सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए यूज होता है इथरनेट केबल। इसके थ्रू आप लैपटॉप या तो आपके पीसी थ्रू ईपीबीएस को प्रोग्राम भी कर सकते हैं, और ये सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है उसका उसमें कुछ चेंजेस भी आपको करना है तो आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए इथरनेट केबल यूज होता है। यहाँ पे RJ45 केबल लगेगा इथरनेट, जो आपकी लेन स्विच में लगेगा दोस्तों। तो ये यहाँ पे पावर इंडिकेशन, ठीक है, जब सिस्टम ऑन करते हैं तो पावर इंडिकेशन चालू हो जाएगा। और ये STS यानी इसका स्टेटस, सिस्टम कौन सी कंडीशन में, हेल्दी है या कुछ फॉल्टी है सिस्टम में, तो यहाँ पे STS में वो ब्लिंक करेगा। तो ये नॉर्मल जो सिस्टम चालू होता है तब ये स्लोली ब्लिंक करता है, ठीक है। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर भी मेंशन है, देखिए इटर्निटी यानी 416, ठीक है। बाकी इसमें एडिशनल जो फैसिलिटी है, डोर फोन या सब इसमें ऑप्शनल होती है, इसलिए वो अभी सॉकेट जो है वो अनमाउंटेड है। देखिए एंटेना भी लग सकता है इसमें, जियो कार्ड भी, सॉरी सिम बेस राउटर भी इसमें लग सकता है, GSM कार्ड जिसको बोलते हैं दोस्तों। इसमें दो कार्ड लग सकते हैं, दो सिम कार्ड, SIM 1 और SIM 2। इसके लिए दोनों का एंटेना का भी कनेक्शन दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे इंटरनेट 2 का कनेक्शन तो ऐसा दिया हुआ होता है। और दोस्तों, इसी बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे ऐसे वॉल माउंटिंग स्क्रू भी, ये जो सॉकेट्स दिए हुए कि आप ये सिस्टम को वॉल माउंट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है, कई जगह पे रैक की फैसिलिटी नहीं होती है तो कस्टमर्स क्या इसको वॉल माउंट कर देते हैं सिस्टम को, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है फ्रेंड्स। तो इस अभी आपने इसका एक्सटर्नल लुक देखा, अब हम उसका इंटरनल जो इसमें क्या है हार्डवेयर वो आपको जरा हम टेक्निकल जानकारी देंगे। दोस्तों, हमारे फ्रेंड जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं,
जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, या तो कोई आईटी इंजीनियर है या तो कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, तो उनको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और उनको जो मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ा टेक्निकल भी वो समझ सकते हैं कि वो क्या पार्ट्स है, क्या मैं डिटेल दे रहा हूँ, तो उनके लिए ये वीडियो जानना एकदम इंटरेस्टिंग रहेगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये है इसका इंटरनल लुक, देखा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, तो ये इसका इंटरनल लुक हो गया। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं इसका ये पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई का यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज ए पावर सप्लाई फ्यूज, ठीक है, ब्लैक कलर का जो सॉकेट है वो फ्यूज है, ठीक है, ये पावर सप्लाई है, ये जो कार्ड है पूरा का पूरा दिस इज ए पावर सप्लाई, ये सब ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई के ये सब कंपोनेंट्स है, कैपेसिटर से, डायोड से, देखिए ये बड़ा वाला, दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, दिस इज अ एसएमपीएस ऑफ द ईपीबीएक्स। दोस्तों ये सिस्टम में पूरा एक ही कार्ड में सब आ जाता है, एक मदरबोर्ड में सब माउंट रहता है, पावर सप्लाई, उसका सभी लाइन कार्ड, उसका मेन प्रोसेसर, जो कुछ भी आप सोचे सब, जो कुछ भी इसमें होता है सब इसमें वन कार्ड यूज, वन कार्ड सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये एक्चुअली सिंगल कार्ड सिस्टम है, इसमें एक मदरबोर्ड ही रहता है जिसमें सब पार्ट्स आ जाते हैं, सब इसमें डिपार्टमेंट आ जाते हैं इसके, ठीक है दोस्त। तो ये यहाँ पे है पावर सप्लाई, ये इसके ट्रंक कार्ड्स, ट्रंक के जो होते हैं सर्किट्स ये है, और ये सभी है एक्सटेंशन सर्किट्स, यानी कि जो लाइन हमारी निकलती है इंटरकॉम की, ये सब कार्ड के थ्रू निकलती है दोस्तों। यहाँ पे ये प्रोसेसर, ये सब प्रोसेसर है देखिए, और ये इसका ये सीमोस बैटरी है, रियल टाइम सेल जो बोलते हैं ये है, जो सिस्टम में डेड टाइम पे कुछ इश्यू है, ये इसको हार्ड रिसेट करना है तो ये हमें रिमूव करना रहता है, और ये सब एक्सटर्नल सॉकेट है जो जीएसएम कार्ड के लिए लगते हैं देखिए। और नेक्स्ट तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये यूएसबी स्लॉट दिए हुए दो वाले, दो यूएसबी स्लॉट है, ये एक्चुअली सिस्टम में पेन ड्राइव लगाने के लिए होते हैं, बैकअप के लिए। इसमें दोस्त हम कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इंट्रोकॉम का, और इसमें जो डेटा भी इसका निकाल सकते हैं कि कितना इनकमिंग कॉल हुआ, क्या कॉलर आईडी से नंबर आया और गया, सब इसमें कितने दिनों में कितने कौन से इंट्रोकॉम से कितनी बार बात हुई और कितनी सेकंड्स, जो कुछ भी विथ कॉलर आईडी विथ डेट एंड टाइम एक्यूरेट हम इसमें सब डेटा रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी कॉरपोरेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये सब एकदम यूजफुल होता है ये सब फंक्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये एकदम स्टडी सिस्टम है मैट्रिक्स का, काफ़ी अपार्टमेंट और ऑफिस में लगता है, रिसोर्ट्स में लगता है, होटल्स में लगता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपका हमारा ये वीडियो, और दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और ये वीडियो के लिए आपका कोई सजेशन या कुछ आइडिया है या कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया है, तो वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप या तो फिर कॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।